एक बार रवि ट्रैकिंग के लिए जंगल में जाता है और उसके पास एक कंपास होता है जिससे वो डायरेक्शन जान पाए। तो जब वो अपनी ट्रैकिंग शुरू करता है उस टाइम में वो कंपास से डायरेक्शन देखता है और उसे एक नॉर्थ डायरेक्शन मिलता है, वो उसकी तरफ चलता जाता है। थोड़ा आगे जाने पर जब वो फिर से अपना कंपास खोलता है तो वो देखता है कि नॉर्थ जिस डायरेक्शन में उसने पहले देखा था, अब वो कंपास उस डायरेक्शन में नहीं पॉइंट कर रहा है, वो किसी और ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, फिर वो उस डायरेक्शन में चलने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो देखता है कि कंपास फिर से नॉर्थ उसी तरफ दिखा रहा है जिस तरफ शुरू में यानी जर्नी स्टार्ट करते समय उसने देखा था। वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, वो वापस उसी पॉइंट पर जाता है जहां पर उसने नॉर्थ की अलग रीडिंग देखी थी और वहां पर जाकर कंपास असल में दूसरा डायरेक्शन दिखा रहा होता है, जबकि जर्नी के किसी और एरिया में कंपास ऐसा डायरेक्शन नहीं दिखा रहा होता है। तो वहां पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंपास अलग डायरेक्शन क्यों दिखा रहा था, इसका एक कारण है, तो उसे हम समझते हैं। अब हम जानते हैं कि जो अर्थ है उसका एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसके चारों तरफ ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से जो मैग्नेटिक कंपास है वो उनके डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है और इस तरीके से हमें नॉर्थ डायरेक्शन मिलता है। हम जानते हैं कि अर्थ एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो ऐसा लगेगा आपको कि अर्थ के सेंटर में एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट प्लेस्ड है, पर असल में ऐसा कोई बार मैग्नेट है नहीं, पर यह एक इमेजिनरी बार मैग्नेट है जिसे हम मान सकते हैं और इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट होते हैं। अब अगर हम कंपास को कहीं भी अर्थ पर प्लेस करते हैं तो क्या होता है, उसका नीडल इन लाइंस के अलोंग प्लेस हो जाता है, लेकिन वही नीडल जब किसी और मैग्नेट के एरिया में आता है तो वो ट्रू नॉर्थ नहीं दिखाता, फिर वो डिफ्लेक्ट होने लगता है, दूसरा डायरेक्शन दिखाने लगता है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक लाइंस हैं वो अलग हैं और जो दूसरा मैग्नेट है उसके मैग्नेटिक लाइंस अलग हैं, इसीलिए कंपास अलग अलग बिहेवियर दिखाता है दोनों केस में। तो हम यहां कंसिडर करते हैं एक बार मैग्नेट को जिसके ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और यहां पर हमारे पास अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं। अब इन दोनों में इंट्रैक्शन कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं ये जो अलग अलग लाइंस हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, कॉन्टैक्ट में आएंगे और वहां पर क्या होगा। तो हम देखते हैं कि इस केस में हम जानते हैं कि जैसे ही हम सेंटर से दूर हट रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ कम हो रहा है और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये स्ट्रेंथ जो होगा वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बराबर होगा, यानी कि जो बार मैग्नेट है उसके फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ और जो अर्थ है उसके फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ बराबर होगा। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि डायरेक्शन उल्टा है दोनों में, तो यहां पर ये अर्थ के फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है हमारे बार मैग्नेट के फील्ड लाइंस का, यानी दोनों उल्टी दिशा में हैं और दोनों का स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर बराबर हो गया। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं देखे जाएंगे। उसी तरीके से हम यहां भी देख सकते हैं, तो यहां पर अर्थ के फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और मैग्नेट के फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ भी बराबर होगा और जहां पर ऐसा होगा वहां पर दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, निगेट कर देंगे और उस जगह पर क्या होगा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं होगा। और ऐसी जगह पर अगर हम कंपास को प्लेस करें तो क्या होगा, उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं हो रहा है और तब वहां पर क्या होगा, कोई मैग्नेटिक इफेक्ट अर्थ का नहीं दिखेगा मैग्नेट के ऊपर। और ऐसा जो पॉइंट होता है उसे हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, यानी यहां पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं और कंपास यहां पर
कोई भी पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, वो किसी भी तरफ पॉइंट कर सकता है। तो ये तो हो गया इस कंडीशन में जहां पे कि नॉर्थ ऊपर की तरफ है और साउथ नीचे की तरफ है इस बार मैग्नेट का। अगर हम इसे उलट दें तो भी क्या हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, देखते हैं। तो यहां पर हमने इसे उलट दिया तो हमारे पास अब साउथ ऊपर में है और नॉर्थ नीचे में है। तो यहां पर क्या हुआ, फील्ड लाइंस भी उलट गए, नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल कर रहे हैं। तो अब यहां पर जो बार मैग्नेट है उसके फील्ड लाइंस भी ऊपर की तरफ ही हैं, और अगर हम अर्थ के फील्ड लाइंस की बात करें तो वो भी ऊपर की तरफ ही हैं। तो यहां पर हमें कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिल सकता। लेकिन अगर हम यहां जाएं पोल्स की तरफ तो क्या हो रहा है, यहां पे ये डायरेक्शन है फील्ड लाइंस का, फिर ये यहां साउथ की तरफ मुड़ गए, इधर भी ऐसा हुआ, ये डायरेक्शन था फिर ये डायरेक्शन हो गया। लेकिन अगर हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो लाइंस किधर हैं, वो अभी भी इसी डायरेक्शन में हैं, यानी उल्टे डायरेक्शन में। यानी इसको कंपेयर करें इनसे तो फिर से डायरेक्शन उल्टा है, और यहां भी एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इनका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बराबर होगा। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बराबर होगा और डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, तो क्या होगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और फिर इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, एक न्यूट्रल पॉइंट जहां पर हमें अर्थ का कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नजर नहीं आएगा। और ऐसा ही इस पोल पर भी होगा। तो इस केस में पोल्स के सीध में हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है। तो जब ऐसे न्यूट्रल पॉइंट्स होंगे और यहां पर हम कंपस को प्लेस करेंगे तो कंपस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अर्थ के, और फिर वो किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है, और तब वो सही नॉर्थ डायरेक्शन नहीं दिखाएगा। तो न्यूट्रल पॉइंट क्या है, द पॉइंट एट विच द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो ऐसा पॉइंट जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है उसे हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तो अब आप इसका जवाब दे सकते हैं, एट न्यूट्रल पॉइंट नेट मैग्नेटिक फील्ड इज मोर, डबल या जीरो। आपको क्या लगता है क्या होगा सही जवाब, सही जवाब होगा जीरो। जब हम न्यूट्रल पॉइंट की बात करते हैं तो वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है हमेशा। तो एट द न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट पे द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट, जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है उसके क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है किससे, अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है उससे बराबर होता है उसका मैग्नीट्यूड, यानी उसका स्ट्रेंथ जो होता है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से बराबर होता है न्यूट्रल पॉइंट पे, और इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, और उसका डायरेक्शन जो होता है वो अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड से उल्टा होता है। तो जब स्ट्रेंथ बराबर होगा और डायरेक्शन उल्टा होगा तो एक दूसरे को वो कैंसिल आउट कर देंगे और तब हमें एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। तो द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट न्यूट्रल पॉइंट इज जीरो। तो इसीलिए जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो अगर हम न्यूट्रल पॉइंट की बात करें तो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट एट द न्यूट्रल पॉइंट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू वन कॉम्पोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रल पॉइंट पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है, यानी उसका स्ट्रेंथ बराबर होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन उल्टा होता है, रिवर्स होता है अर्थ से, और इसीलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जीरो हो जाता है। तो अगर हम सीधी भाषा में समझना चाहें तो अगर मान लेते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर 5 है, और जो मैग्नेट है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर 5 है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब हम देखते हैं कि अगर हम मान लें कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव डायरेक्शन मानेंगे,
तो इसके मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम क्या मानेंगे, प्लस फाइव अर्थ का, तो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम क्या मानेंगे, माइनस फाइव। तो हमारे पास क्या है, अर्थ इसके केस में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, प्लस फाइव, मैग्नेट इसके केस में क्या है, माइनस फाइव। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जीरो। प्लस फाइव और माइनस फाइव अगर ऐड होंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। यानी यहां पर स्ट्रेंथ क्या होगा, जीरो, यानी कि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस जगह पर नहीं होंगी और यहां पर कोई भी मैग्नेटिज्म का इफेक्ट नहीं दिखेगा इन दोनों का। सेम चीज इस केस में भी होगा, बस यहां पर पोजीशन चेंज हो जाएगा, यहां पर पोल्स के सीध में वो कंडीशन बनेगा, यानी डायरेक्शन ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहां पर भी हम सेम चीज कंसीडर कर सकते हैं कि प्लस फाइव और माइनस फाइव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहां भी हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो एक बार मैग्नेट के केस में अगर डायरेक्शन यहां पर उल्टा होता तो हमें इस जगह पर न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता, और डायरेक्शन यहां पर उल्टा है तो हमें इस जगह पर न्यूट्रल पॉइंट मिल गया। और इसीलिए अगर हम कंपस को किसी भी न्यूट्रल पॉइंट में प्लेस करें तो जो कंपस है वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन नहीं दिखाएगा क्योंकि उस पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ही नहीं, और जब कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है तो फिर वो कंपस फ्री टू रोटेट है, वो किसी भी डायरेक्शन में आपको पॉइंट कर सकता है क्योंकि वो न्यूट्रल पॉइंट है। तो रवि जहां पर खड़ा था, जहां पर उसे गलत रीडिंग मिली नॉर्थ की, वो असल में एक न्यूट्रल पॉइंट था जहां पर कोई भी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं था और इसीलिए उसे गलत डायरेक्शन मिला। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। You can also register for free at DeltaStep.com to get all learning resources as per ICSE, CBSE, IB, Cambridge or any other curriculum. Over 5,000 amazing lectures across Maths, Science, English and Social Science. Our unique interactive video technology keeps you engaged and our iDictionary feature allows you to quickly revise any concept. Master each topic at your own pace with our adaptive practice technology and 1 million plus questions. Get instant answers and detailed solutions. Be exam ready by taking unlimited mock tests. Performance analysis along with actionable feedback. Personal tutors to resolve your slightest of doubts. That's not all. You also get amazing prizes like PlayStations, iPads, watches, and many more, along with certificates through our Earn As You Learn program. So at DeltaStep.com, learning is not just fun and easy, it's rewarding too. So register for free now.